हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ठोसों में विद्युतीय चालकता। तो विद्युतीय चालकता के अंदर हमने दो प्रकार के अर्धचालक पढ़े थे, एक शुद्ध अर्धचालक और एक अशुद्ध अर्धचालक डोपिंग जिसको हम बोलते हैं वो पढ़े थे, जिससे एन और पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अपने को अर्धचालकों के अनुप्रयोग भी पता होने चाहिए। तो अर्धचालकों के अनुप्रयोग क्या होते हैं, जैसे अर्धचालक सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा जिसको हम प्रकाश डायोड बोलते हैं, सिलिकन से बनी हुई प्लेट होती है जिसमें चांदी की वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो वो एक अच्छा प्रकाश स्रोत है। इसके अलावा हम डायोड बना सकते हैं जिससे एनपीएन प्रकार के या पीएनपी प्रकार के डायोड बना सकते हैं जो सर्वे और रेडियो तरंगों के अंदर काम आता है। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है ठोसों में चुंबकीय गुण, और ये चुंबकीय गुण किस आधार पर होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप इसको पहले समझ लेना ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन होता है वो सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, ये भांति व्यवहार करता है क्यों करता है। तो देखिए कि हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि जब कोई भी विद्युत आवेशित कण गति करता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो कोई भी पदार्थ होता है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। कैसे, इसको समझने से पहले कि ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसको ध्यान से समझे उससे पहले कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है कक्षकों के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी होती है, पहली होती है कक्षीय गति, ठीक है, और दूसरी होती है अक्षीय गति। इनको समझना। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार की गति उत्पन्न करता है, कैसे, एक कक्षीय और एक अक्षीय। इस बात को हम पृथ्वी से समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की भी दो गतियां होती है। जैसे कक्षीय गति को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपने पास कोई भी एक ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र को हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बोर मैग्नेटॉन होती है इसकी यूनिट, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी अक्षीय गति, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में अपने अक्ष के ऊपर घूमता है तो इसको हम बोलते हैं कौन सी गति, अक्षीय गति, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, उसको लिखेंगे हम किससे, म्यू एस से लिखेंगे, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हुआ, म्यू एस प्लस म्यू एल, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। कुल चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय और अक्षीय गति के दौरान उत्पन्न हुए चुंबकीय आघूर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। म्यू का मतलब जो होता है, म्यू का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, म्यू का मतलब चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। अब ये चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, इस चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई है वो होती है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, जिसको हम बी एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एम के पैर में बी लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बोर मैग्नेटॉन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर होती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो एक बोर मैग्नेटॉन जो है जिसको मैं एम बी से रिप्रेजेंट करता हूँ वो होता है ई एच अपॉन 4 पाई एम सी,
ठीक है, ये इस चीज को हम पढ़ेंगे जो अपना आठवां चैप्टर आएगा डी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक, उसके अंदर हम अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। जहां पे ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एच होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, फोर पाई एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और सी वो किस वेग से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है इसके अंदर। अब देखिए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित है, हम एक कक्षक के अंदर हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, दो रहते हैं, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक चक्कर लगाता है क्लॉकवाइज और दूसरा चक्कर लगाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसने अपना जो कक्षीय गति की उस दौरान चुंबकीय गुण उत्पन्न किया म्यू अल, और अक्षीय गति के दौरान जो चुंबकीय गुण उत्पन्न किया वो म्यू एस, ठीक है, ये उत्पन्न करता है। परंतु जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, युग्मित होंगे तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन ने एंटी क्लॉकवाइज घूमकर जितना चुंबकीय गुण उत्पन्न किया, इस इलेक्ट्रॉन ने उतना ही चुंबकीय गुण क्लॉकवाइज घूमकर कैंसिल आउट कर दिया, निरस्त कर दिया। इसी तरीके से जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति लगा करता है, तो एक तो अपने अक्ष पे बाईं ओर एक दाईं ओर घूमेगा, जिसकी वजह से इसकी जो अक्षीय गति के कारण चुंबकीय गुण जो उत्पन्न हुआ वो इस इलेक्ट्रॉन ने, यानी युग्मित होते ही इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। यानी इस बात का रिजल्ट क्या निकलता है, इस बात से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब किसी भी ठोस के अंदर या किसी भी परमाणु अणु या आयन के अंदर अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा, और ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं या अनुचुंबकीय ठोस होते हैं, जिसको हम बोल देंगे अनुचुंबकीय ठोस, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए तो उसको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और ऐसे ठोसों को प्रतिचुंबकीय ठोस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज कि ठोसों में चुंबकीय गुण किस कारण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो चुंबक, वो दो प्रकार की होती है। जब कोई भी आवेशित कण गति करता है तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने चारों ओर। पहली गति जो कक्षीय गति है, जिसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल, और अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण म्यू एस, और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कुल चुंबकीय गुण उत्पन्न किया गया म्यू एस इजिकल प्लस म्यू एल, ये कुल चुंबकीय गुण उत्पन्न किया है एक इलेक्ट्रॉन ने। म्यू का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, जिसकी इकाई बोर मैग्नेटोन, और एक बोर मैग्नेटोन की वैल्यू कितनी होती है 9.27 × 10²⁴ एम्पियर मीटर, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई एच अपॉन 4πmc, जिसको हम डी ब्लॉक के अंदर एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है तो उसके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है, और ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ और ठोस अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर प्रति चुंबकीय, यानी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय गुण दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पदार्थ होता है वो प्रति चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इतना पढ़ने के बाद में नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि चुंबकत्व के आधार पर ठोस के प्रकार कितने होते हैं। तो नेक्स्ट अपने हेडिंग लगाइए, चुंबकत्व के आधार पर ठोसों के प्रकार, ठीक है, चुंबकत्व के आधार पर ठोसों के प्रकार, या चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। ठीक है, तो ठोस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए, पहला
पहला होता है अनुचुंबकीय ठोस, अनुचुंबकीय ठोस पैरामैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है। ये क्या होता है, ये उनके अंदर उत्पन्न होता है जिसमें क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है इसके अंदर, कि ऐसे ठोस जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। हम किसी भी ठोस को समझ सकते हैं आसानी से कि वो चुंबकीय है अथवा प्रतिचुंबकीय है। दूसरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पहचानेंगे। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है प्रतिचुंबकीय ठोस, और प्रतिचुंबकीय ठोस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित, और इनका प्रतिचुंबकत्व गुण होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कोई दो कंपाउंड लिखता हूँ, एक लिख दिया मैंने CuO कॉपर ऑक्साइड और एक लिख दिया क्यूप्रस ऑक्साइड। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अपने को धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है जिससे ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर एक कॉपर पॉजिटिव हो गया, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हटा देंगे तो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव। अब इसको समझना ध्यान से, ये कॉपर टू पॉजिटिव और ये कॉपर पॉजिटिव, कौन सा अनुचुंबकीय कौन सा प्रतिचुंबकीय। देखिए अपने कॉपर का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसको हम लिखते हैं आर्गन 4s 1 और 3d 10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो कौन से निकलेगा, आउटर सेल से निकलेगा, यानी 4s का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यानी कहने का मतलब 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और d के अंदर ऑर्बिटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5, ठीक है, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, अब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इन युग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉपर पॉजिटिव वाला जो सब्सटेंस है अपने पास, ठोस है, पदार्थ है, वो क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय है, यानी ऐसे ठोस जिसमें इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित होते हैं और जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय ठोस, और इस प्रकार के गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा था Cu2O, इस तरीके से हम इसमें प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसके अंदर d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पदार्थ क्या हुआ, प्रतिचुंबकीय ठोस हुआ। इसी तरीके से अगर हम कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करें, यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिख देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 4s 1 और 3d 10। अब देखिए इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले तो निकलेगा s का एक इलेक्ट्रॉन, s के अंदर 0 हो गए, और फिर एक निकलेगा d से, तो d के अंदर कितने बच गए, 9 बच गए। अब d के अंदर 9 बच गए तो d में ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब चूंकि इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये पदार्थ है वो क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय ठोस कहलाता है, CuO, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूँ Na पॉजिटिव या NaCl लिख देता हूँ, तो NaCl के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित है और सारे के सारे इसमें युग्मित है, तो यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं NaCl, इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की वजह से। इसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कोई भी सब्सटेंस आप देख के बता सकते हो कि ये अनुचुंबकीय है अथवा प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आपको पूछे कि कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया या उसकी वैल्यू कितनी है, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू कितनी है, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू एन एन प्लस टू का अंडर रूट होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल किया एक कॉपर पॉजिटिव का और एक कॉपर टू पॉजिटिव का,
ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है ना। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर n की वैल्यू है वो जीरो है, तो इसने चुंबकीय आघूर्ण कितना उत्पन्न किया, जीरो बोर मैग्नेटोन। इसी तरीके से इसके अंदर कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू जो है वो इसके अंदर एक है। अब वन वन प्लस टू यानी तीन हो गए, और तीन को एक से मल्टीप्लाई किया, तीन यानी अंडर रूट तीन यानी 2.71 बोर, सॉरी 1.73 बोर मैग्नेटोन ये वैल्यू होती है। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी आयन का क्या निकाल सकते हो, चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर अक्सर आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको चुंबकीय गुणों के बढ़ते और घटते क्रम में, या किसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा है किसका कम है। अगर मैं आपके सामने दो चार आयन लिख देता हूँ, जैसे मैंने एक अफी टू पॉजिटिव लिख दिया, एक अफी थ्री पॉजिटिव लिख दिया, एक एमएन टू पॉजिटिव लिख दिया और एक कोबाल्ट टू पॉजिटिव लिख दिया, जैसे ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है, तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s2 3d6 होता है, ठीक है, 4s2 3d6 होता है। अब इसमें से हमें दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, निकाल लिए। अब d के अंदर 6 है जिसमें चार इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए, चार इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अयुग्मित, कैसे, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, चार। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण अपने पता कर लेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर n की वैल्यू कितनी आ गई, पाँच आ गई। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल सकते हो। Mn2 पॉजिटिव है तो Mn2 पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, 4s2 और 3d5 होता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ये निकल गए। डी के अंदर कितने बचे, तो एन की वैल्यू इसमें भी कितनी आ गई, पाँच इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरीके से इसमें 3d7 होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s के दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए जिसमें एन की वैल्यू जो है वो आ गई 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमें अगर चुंबकीय आघूर्ण बताना है तो इन दोनों का तो सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गए, यानी अफी थ्री पॉजिटिव बराबर है किसके, Mn2 पॉजिटिव के, और इससे कम जो है वो है अफी टू पॉजिटिव का, और इससे कम जो है वो कोबाल्ट टू पॉजिटिव का। हालांकि ये चीज़ आपको जो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना वो डी ब्लॉक वाला, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने ये अभी बता दिया आपको अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी आयन के बारे में बता सकते हो कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है। नेक्स्ट अपने पास जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है, तीसरा जो प्रकार आता है ठोसों का वो आता है लोह चुंबकीय ठोस। कौन से ठोस है, लोह चुंबकीय ठोस, ठीक है। और लोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं कि देखो, हमने कई बार प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है कि अगर हम किसी चुंबक के साथ में मान लीजिए कोई ब्लेड यानी लोहे की पन्नी को चिपका दिया, अब उस लोहे की पन्नी के साथ में हमने छोटी कोई और चीज़ जैसे आलपिन को हमने उस लोहे की पन्नी के साथ चिपका दिया, होता क्या है कि जैसे ही अपने चुंबक को हटा लेते हैं तो कुछ समय तक जो लोहे की पन्नी होती है वो चुंबक आलपिन को पकड़े रखती है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो छोटे छोटे खंडों में होते हैं और उन खंडों को हम बोलते हैं डोमेन। जो भी अपने पास आयन होता है मेटल का उसमें इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे खंडों में होते हैं और उन खंडों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और डोमेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कहने का मतलब अनियमित होती है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण इस तरीके से उत्पन्न किया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, सॉरी ये अरेंजमेंट है, ठीक है, डोमेन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रॉन ने जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया इसने निरस्त कर दिया, यानी ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए।
इसी तरीके से हम अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसने कैंसिल आउट कर दिया, यानी इनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इनमें कम होगी, यानी ये सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। परंतु होता क्या है कि जैसे ही हम इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण एक दिशा के अंदर हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो जाता है, एक दिशा के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। यानी समस्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, कब, जब हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। तो इसका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है, कुल चुंबकीय आघूर्ण वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, लोहे चुंबकीय ठोस कहलाते हैं, और इनसे हम स्थायी चुंबक भी बना सकते हैं। इससे हम क्या बना सकते हैं, स्थायी चुंबक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के ठोसों से हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं, तो लोहे चुंबकीय ठोसों से बना सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगर दोगे तो इसमें कि ऐसे ठोस जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु उनकी व्यवस्था नियमित नहीं होती है, परंतु जब ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो समस्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिसके कारण उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इनके एग्जाम्पल आप एग्जैक्ट याद रखना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2, ये कैसेट्स की टेप बनाने के लिए काम आता है, और गैडोलियम, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है जिनसे हम स्थायी चुंबक को बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास जो चौथा प्रकार आता है ठोस का, वो आता है प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, प्रतिलोह चुंबकीय। और प्रतिलोह चुंबकीय ठोस के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में होता है, और उन खंडों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, परंतु उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी नियमित व्यवस्था होती है और उनका चक्रण विपरीत होता है, समस्त इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, ठीक है, जिसके कारण एक के द्वारा चुंबकीय गुण दूसरे के द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। और जब इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत हो जाता है, अतः ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। लास्ट अपने पास आता है फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकीय ठोस या फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है वो समांतर और प्रति समांतर अनियमित होती है, अनियमित व्यवस्था होती है इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से अनियमित व्यवस्था होती है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन अपने चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर पाते हैं, जैसे यहाँ पे इसने निरस्त कर दिया और यहाँ पे इसने निरस्त कर दिया, परंतु फिर भी क्या होता है, इसमें कुछ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाते हैं, और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर पाते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फेरी चुंबकत्व ठोस बोलते हैं, जिसके अंदर एक तो मैग्नेटाइट है जिसको अपने Fe3O4 मैग्नेटाइट बोल देंगे, और दूसरा फेराइट जिसको Fe2O4 इसको क्या बोलते हैं, फेराइट बोलते हैं, ये नाम याद रख लेना। यहाँ पे M की जगह पे कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, और जिंक हो सकता है, तो ये अपने पास पदार्थ होते हैं। अगर हम छोटे रूप में अगर देखें तो चुंबकत्व के आधार पर जो ठोसों के प्रकार है वो 5 प्रकार होंगे। पहला अनुचुंबकीय ठोस, जो किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, आप अच्छे से निकाल सकते हो, कोई भी आयन के बारे में आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के आप आसानी से बता सकते हो। दूसरा हो गया प्रतिचुंबकीय ठोस, जो किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लोह चुंबकीय ठोस, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था अनियमित होती है,
परंतु चुंबकीय क्षेत्र में कुल चुंबकीय घूर्ण बढ़ जाता है क्योंकि समस्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और कुल चुंबकीय घूर्ण इंक्रीज हो जाता है। और ऐसे पदार्थों के उदाहरण ये वाले उदाहरण हो गए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2 और Gd और गैडोलियम, जिनसे हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण समांतर और विपरीत समांतर हम बोल सकते हैं, प्रति समांतर नियमित होता है, जिससे कुल चुंबकीय घूर्ण निरस्त हो जाता है और विपरीत चक्रण इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चक्रण के कारण ऐसा होता है। फेरी चुंबकताओं में कि कुल चुंबकीय घूर्ण होता है वो सूक्ष्म हो जाता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को या उत्पन्न चुंबकीय घूर्ण को दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, और ये इसके उदाहरण हो गए। तो ये अपने पास थे ठोसों में चुंबकीय गुण। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन होता है वो छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय गति और अक्षीय गति। चुंबकीय गुण की इकाई बोर मैग्नेटोन होती है। एक बोर मैग्नेटोन की वैल्यू 9.27 × 10²⁴ एम्पियर मीटर होती है। और ये ठोसों के प्रकार हो गए जिसके अंदर आपको कारण ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज कारण है और उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।